Hello everyone, in continuation of asymptotic notation, in this video we are going to learn about omega notation and theta notation, right? So in previous video we have explained what is Bigot notation, right? So just see, so simple, ये जो बिगो नोटेशन था वो एक्चुअली ये अपर बाउंड पे काम कर रहा था. यू नो, हमारा जो फंक्शन था ये फंक्शन मेरा था और ऊपर से हमने कोई फंक्शन एज्यूम किया था, जी एन फंक्शन, राइट? ओके. और ये अपर बाउंड था डेफिनेटली हमारे फंक्शन से. जब कोई अपर में है तो उसको डेफिनेटली अपर बाउंड हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक. और ये जो बिगो नोटेशन जो होती है, ठीक, वो एक्चुअली वर्स्ट केस में यूज होगी. किस पे होगी? वर्स्ट केस, राइट? वर्स्ट केस, राइट? एंड व्हाट इज एक्चुअली वर्स्ट केस? देयर आर थ्री केसेस बेसिकली. वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, राइट? तो दिस बिगो नोटेशन बेस्ट वर्स्ट केस के लिए होता है और अपर बाउंड होता है. दो चीज याद रखिएगा इसमें. तो वर्स्ट केस के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. सपोज करिए एक मेरे पास कोई एक सिंपल सबसे ट्रिवियल एग्जांपल लेता हूँ लीनियर सर्च का, ठीक है. अगर मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं, सपोज करिए 3 है, 5 है, 8 है, 6, 9, 2, 1 ऐसे कुछ है. अगर मुझे इस एरे लिस्ट में, लीनियर सर्च में, अगर मुझे एलिमेंट सर्च करना है 3, अगर मुझे 3 सर्च करना है तो जस्ट मैं सिक्वेंशली एक्सेस करते ही सबसे फर्स्ट में मुझे 3 मिल गया तो इसको हम बोलते हैं बेस्ट केस. मतलब सिंपल वर्ड है, सिंपल, कि मेरे लिए आई एम लकी. मेरे लिए बेस्ट केस है कि हमने, मेरे पास जैसे मैंने सर्चिंग किया और फर्स्ट एलिमेंट मिल गया तो उसको बेस्ट केस बोल लेंगे, ठीक. और मुझे सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे 1 सर्च करना हो तो 1 के लिए मैं इसमें सर्च करूँगा, 3 से कंपेयर करूँगा, नहीं हुआ कंपेयर, 5 से करूँगा, फिर 8 से सर्च, फिर 6 से कंपेयर, फिर 9 से, फिर 2 से, फिर 1 से जाके कंपेयर हुआ तो फाइनली जाके हुआ, तो इसको बोलते हैं वर्स्ट केस. वर्स्ट केस एज द नेम सजेस्ट, वर्स्ट केस, ठीक. और तीसरा होता है एवरेज केस. यू नो ऑलरेडी एवरेज मीन्स क्या होगा? बीच में. मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे बीच में एलिमेंट मिला, बीच मीन्स नॉट एग्जैक्टली मिडिल में, कोई मिडिल के आसपास मिल जाए तो उसको एवरेज कहते हैं, ठीक है. और बेस्ट का मतलब नॉट अ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट के बाद सेकेंड, टू. अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1000 एलिमेंट हो तो फर्स्ट पे मिल जाए, 2, 3 पे मिल जाए तो उसको भी बेस्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. और वर्स्ट मीन्स वर्स्ट, लास्ट, लास्ट, लास्ट भी नहीं, लास्ट से पहले या जस्ट बिलो, पहले आ गया तो उसको भी वर्स्ट बोल सकते हैं. तो देर आर थ्री केसेस, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक, राइट. तो राइट, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपको. तो ये जो हमारा बिगो नोटेशन यूज किया जाता है वर्स्ट केस के लिए यूज किया जाता है. और यू नो ऑलरेडी अभी तक आपने इवन फर्स्ट ईयर में भी आपने कभी सुना होगा नाम कि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. तो हम लोग जनरली बोलते हैं बिगो ऑफ एन लीनियर सर्च का होता है, ठीक है. बाइनरी सर्च का बिगो ऑफ लॉग एन होता है, राइट. बाइनरी सर्च का, नॉट बाइनरी सर्च ट्री, ठीक. तो बाइनरी सर्च का लॉग इन हो गया, ठीक. तो ये हम हमेशा जो हमने किस में बात करते हैं, बिगो के टर्म में बात करते हैं. रियली बिगो टर्म में क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम एक्चुअली वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस. हम हमेशा लकी नहीं हो सकते. हम हमेशा एलिमेंट हमारे प्रॉब्लम में, हमेशा जो सर्चिंग या कोई भी ऑपरेशन हुआ, हमेशा बेस्ट केस हम नहीं फॉलो मान सकते कि हमेशा बेस्ट केस में ही हमें एलिमेंट मिल जाएगा. या हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि हमेशा एवरेज केस में मिलेगा. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी एल्गोरिथम हम वर्स्ट केस में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान के चल रहे हैं. तो जनरली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इन वर्स्ट केस, नॉट एवरेज केस एंड बेस्ट केस, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल बिगो नोटेशन, बिगो. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज ओमेगा नोटेशन. तो रिमेंबर, आई थिंक मुझे लगता है कि 70-80% कॉमन है बिगो नोटेशन से और ओमेगा नोटेशन. तो अगर आपने बिगो नोटेशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा ये ओमेगा नोटेशन, राइट. तो आई थिंक 70-80% कॉमन है, सेम लॉजिक, और ये टर्म्स भी कॉमन होंगे, सेम वहाँ भी टर्म्स होंगे. बट लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, जस्ट सिमिलर टू व्हाट बिगो नोटेशन की तरह डेफिनेशन यहाँ भी है. तो ये है मेरा फंक्शन. इस फंक्शन में ये जो मेरा फंक्शन, जस्ट वी आर गोइंग फॉर द बेस्ट केस. तो इस फंक्शन के लिए हम एक जी एन फंक्शन का हेल्प ले रहे हैं. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यू नो,
a function you can write like this here. A function, this is fn. Fn is said to be, a function is said to be omega of gn, same like Bigot notation, right? A function is said to be omega of gn, right? There exists a positive constant. There exists a positive constant. Kon? Just tell me. Same as Bigot notation. पॉजिटिव कांस्टेंट कौन कौन से मुझे मिल गए, एक तो एन नॉट मिल गया और एक मेरे पास सी कांस्टेंट, ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा था, ठीक। तो सी एंड एन नॉट, तो सी एंड एन नॉट, राइट। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट, व्हाट शुड आई राइट, सच दैट ये जो मेरा फंक्शन है एफ एन और सी जी एन, ये हमेशा जो फंक्शन एफ एन होगा वो सी डॉट जी एन से बड़ा होगा। मीन्स जो एफ एन मेरा होगा, एफ एन वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे, सी डॉट जी एन से, और डेफिनेटली जो सी डॉट जी एन होगा वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक। तो यू कैन डिफाइन सच दैट जी एन सी डॉट जी एन इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो For all, अब क्या लिखना चाहिए, for all, just like a Bigot notation, for all the next input, for all the inputs which are greater than or is equal to n naught, जो भी बाकी जो हमारे inputs हैं, ये definition, ये हमारा characteristics, ये property तब follow करेगा जब हमेशा n naught के बाद, otherwise n naught के बाद, देखिए कभी ये ऊपर कभी ये नीचे ऐसे हो रहा है, तो n नॉट से पहले हम डिफाइन नहीं कर सकते इस करेक्टरिस्टिक्स को, n नॉट के बाद, अगर जो इनपुट है वो n नॉट के बाद ये सारी अगर इस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हम बोल सकते हैं उस फंक्शन को ओमेगा ऑफ जी एन, राइट। नाउ फॉर ऑल वेयर उस टर्म से बचे, वेयर जो c जो है वो c कहाँ से स्टार्ट होगा, यू नो जस्ट लाइक अ Bigot नोटेशन, c शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक, क्योंकि कॉन्स्टेंट फैक्टर मेरा 0.5 भी हो सकता है, ठीक। एंड वेयर एंड एन नॉट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट हमेशा 1 होंगे, 0.5 नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं होगा, आधा इनपुट कोई नहीं देता है, ठीक है, एक इनपुट देगा या दो इनपुट देगा या तो तीन इनपुट देगा, एल्गोरिथम में हाफ नहीं देगा, तो इसलिए हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, राइट। तो ये डेफिनेशन होगा, अगर आप कंपेयर करें इस डेफिनेशन को किससे, Bigot नोटेशन से, ये हमने लिखा था Bigot नोटेशन का, यहां पे देखिएगा, यहां पे, तो सिंपल अगर मैं इसमें चेंज करना चाहूं तो लेट मी चेंज द कलर, यहां पे मैं ब्लू से लिखता हूं, देखिएगा इसमें क्या चेंज है, ये मेरा Bigot का था यहां पे हमने कर देंगे ओमेगा, ओमेगा जी एन एफ एन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एन नॉट एन सी सच दैट जीरो इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये सिंपल यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे एफ एन मेरा ऐसे हो जाएगा एफ एन सी डॉट जी एन, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। ये सेम, बस इस लाइन की जगह ये लाइन लिख दिया, और फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट वेयर एन नॉट सेम कॉपी, राइट। तो सिंपल, तो एक्चुअली दिस इज द Bigot नोटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये Bigot क्लियर हो गया तो बाकी सब तो सिंपल है, वैसे ही है, ठीक है, राइट। क्योंकि Bigot को एक्चुअली हम लोग किस में देख रहे हैं, वर्स्ट केस में देख रहे हैं, और वी आर रियली इंटरेस्टेड टू फाइंड द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस वी आर नॉट ऑलवेज लकी कि हम बेस्ट केस में ही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी, राइट। चलिए तो ये मेरे पास हो गया ओमेगा, नाउ एनीथिंग एल्स, राइट, इसमें हो रही है मेरे पास, दैट इज यस। नेक्स्ट है थीटा के केस में, थीटा में क्या हो रहा है, इसमें देखिएगा, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो चुका होगा, थीटा एवरेज केस के लिए होता है, एवरेज केस मीन्स जैसे कि सिंपल, ये एवरेज मीन्स दोनों के बीच में, एज ए सैंडविच, ठीक। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हाँ, इसमें एन नॉट सेम वही कांस्टेंट है, एन नॉट मिला मुझे और एक मेरे पास दो कांस्टेंट हो गया, सी नॉट सी वन एंड सी टू। अब मैं अपने जो फंक्शन को दो फंक्शन से कंपेयर करने जा रहा हूँ, एक
सेम वो भी जी एन फंक्शन है, ये भी जी एन है, सेम फंक्शन है, बट डिफरेंट कॉन्स्टेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, एफ एन इज सेट टू बी थीटा ऑफ जी एन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एन एन नॉट वेयर सच दैट क्या होना चाहिए इसमें बताइए, इसको देख के एफ एन जो होगा बीच में है ना, एफ एन तो एफ एन आप ऐसे लिख दीजिएगा, बीच में होगा वो किससे, ये देखिएगा ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है सी, इससे बड़ा है सी वन डॉट जी एन से बड़ा है, और किससे छोटा है सी टू डॉट जी एन से छोटा है, राइट। और डेफिनेटली ये जो सी वन डॉट जीरो वो जीरो से बड़ी होगी, ठीक। तो ये सिंपल इक्वेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक। तो यू कैन मैच ये, तो सिंपल, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और सेम डेफिनेशन है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट फॉर ऑल तो हो गया, वेयर सी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट जीरो एंड एन नॉट शुड बी ग्रेटर देन एट इक्वल टू वन, दैट्स इजी, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो नाउ ये है राइट, तो दीज आर द थ्री टर्म्स। एक्चुअली किसी भी एल्गोरिदम को हम अगर मुझे नोटेट करना हो तो बताना हो कि उसकी कैसी करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सपोज करिए हम किसी वेट को नापते हैं, वेट है मेरे पास, इस वेट को हम बता सकते हैं ये ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्विंटल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीट्रिक टन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा नोटेशन है किसका, वेट का। उसी तरह अगर मुझे एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना हो टर्म्स में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, कुछ ना कुछ तो नोटेशन होनी चाहिए। तो उसको हम एल्गोरिदम को टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिगो के टर्म में, ये ओमेगा के टर्म में, और ये थीटा के टर्म में। तो रिमेंबर दिस वन, ये जो मेरा किसके लिए होता है, वर्स्ट केस के लिए। आई थिंक नेक्स्ट पीपीटी में है ये। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, सिंपल। तो ये देखिएगा इन तीनों का ये डायग्राम था, ये फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वर्स्ट केस का, सेकंड हमने डिस्कस किया था ये बेस्ट केस का, एंड थर्ड किसको डिस्कस किया था, एवरेज केस का, राइट। ओके, तो वन मोर थिंग और एनी अदर थिंग, ये सेम वैसे ही है सिंपल। तो ये मेरा सिंपल इंटेंशन ये है कि ये पता ही आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ हो गया, डिपेंड्स ऑन द सम पैरामीटर्स, और ये मेरा इनपुट हो गया, टाइम हो गया, और ये रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, राइट। तो आई थिंक दिस इज सफिशियंट, और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यू कैन रेफर द पोर मैन बुक फॉर द मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन, राइट। तो समटाइम क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस टाइप, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ दिस वन, फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ दिस वन, राइट। तो यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स इज लाइक, राइट। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।